तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सबमरीन पानी के ऊपर और नीचे आखिर कैसे आती जाती है? दोस्तों, पनडुब्बी यानी कि सबमरीन पानी के अंदर और बाहर ब्लास्टिंग की मदद से आती है। जब पनडुब्बी को पानी की गहराई में ले जाना होता है तो इन टैंकों में पानी भर दिया जाता है, जिससे ये भारी होकर गहराई में चली जाती है। जबकि इसे सतह पर लाने के लिए इन्हीं टैंकों में पानी को हटाकर प्रेशर के साथ हवा भर दी जाती है, और एक निश्चित गहराई पर पनडुब्बी को स्थिर रखने के लिए इन टैंकों में हवा और पानी की मात्रा को बैलेंस किया जाता है।